रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी, काशीवासियों को विकास की सौगात। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई, पीठ का गठन करेगी शीर्ष अदालत। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा, टायर कारोबारी के खिलाफ लिया एक्शन। कासगंज में सालों से टूटी सड़क की नई हो रही मरम्मत, सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने आज काशी वासियों को विकास की कई बड़ी सौगात दी है। पुलिस लाइन में सीएम के स्वागत के लिए कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस लाइन में सीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हुए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर सीएम योगी ने फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। खास बात यह है कि सीएम ने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। रामपुर में अब उपचुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। सेशन कोर्ट द्वारा आजम खां की याचिका रद्द किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है, जहां नामांकन आज से शुरू होंगे और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी को गुरुवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अभियोजन को शुक्रवार को आजम खां की अपील पर आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आजम खां की अपील पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बता दें, आजम खां की याचिका रद्द किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया, जहां नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। बता दें, जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन होगा, वहीं 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुषार हमसे जुड़ेंगे और लखनऊ से हमारे साथ गौरव हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले रामपुर से तुषार का रुख करेंगे। तुषार, आजम खां की याचिका रद्द कर दी गई है, अब आगे आजम खां क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रामपुर में आज से जो है नामांकन की जो है आज से शुरुआत कर दी गई है, और यहाँ पे जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ है, सभी जो पार्टियां हैं यहाँ की, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, या कांग्रेस हो, या बसपा हो, सब में एक चहल सी मच चुकी है। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना रामपुर में एक गढ़ बनाना चाहते हैं कि हम जीते हैं, हम जीते हैं। इस चीज को लेके सभी प्रत्याशी जो बहुत जोरों शोरों से अपने तैयारी में अब यहाँ से अब लग चुके हैं। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि आजम खान ने जो स्टे के लिए जो यहाँ पे याचिका दी थी, वो यहाँ के जो एमपीएमएलए कोर्ट है, उन्होंने जो है इस चीज को बिल्कुल रद्द कर दिया है। अब इसके साथ अगर देखा जाए कि सपा से कौन सा प्रत्याशी यहाँ से अब खड़ा होता है, तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि रामपुर से जो है अब आजम खां अपनी बहू को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि रामपुर से अगर आजम खां अपनी बहू को उतारते हैं तो रामपुर की जनता किस तरीके से उनको प्यार देती है। तो जो प्यार अभी तक रामपुर से आजम खां को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं
कि रामपुर यहाँ से 9 बार के विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और भी यहाँ से वो मंत्री पद भी उनको खैर मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये बहुत दिलचस्प होने वाली है कि रामपुर की जनता उनको किस तरीके का प्यार देती है। जी जी तो सर, रुक करेंगे लखनऊ से गौरव का। गौरव, क्या लगता है सपा किन चेहरों पर दांव खेल सकती है? देखिए, दांव तो मयूरी यहाँ पर खेलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है रामपुर की वो बहुत बेहतर नहीं है। क्योंकि अभी उपचुनाव हुआ था रामपुर में, सांसदी का, और आजमगढ़ में हुआ था। वहाँ पर अवैध माने जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं जो रामपुर अवैध माना जाता था सांसदी के मामले में, विधायकी के मामले में, वो यहाँ पर भेद दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीत हासिल करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के दम पर, अपने संगठन के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर कहीं पर भी जीत दर्ज कर सकती है। और ऐसी स्थिति यहाँ पर अब फिलहाल मैनपुरी में चुनाव है, लोकसभा उपचुनाव है, वहाँ पर आपकी मुलायम सिंह यादव की जो बहू है डिम्पल यादव, उनकी नाम की घोषणा हुई है समाजवादी पार्टी के लिए। ये महत्वपूर्ण चुनौती साबित होने वाली है क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अभी जब रामपुर में और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, तो वहाँ पर परिणाम जो आए थे वो बीजेपी के पक्ष में आए थे। और खासतौर से अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो वहाँ बीजेपी, वहाँ पर अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव 2022 की, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 100 विधानसभा सीट पर स्वीप किया था बीजेपी का, यानी 100 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद मानी जा रही थी कि आजमगढ़ में भी बीजेपी को हार मिलेगी, पर जिस तरह बीजेपी ने प्रदर्शन किया था तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब कठिन चुनौती रामपुर, खतौली और मैनपुरी होने वाली है। क्योंकि अगर आप ये बात कहें कि कोई 9 बार रहा है या 6 बार रहा है, लंबा वहाँ कालकर रहा है और वो दुर्ग अब तक अभेद रहा है, तो यह बात पुरानी बात हो गई है। और बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ में सीट दर्ज करके बता दिया है कि कहीं की आबादी का समीकरण कोई भी हो, अगर हम बेहतर काम करते हैं तो उसका, उसके लिए जनता हमको आधार बनाती है और उसको हमें वोट भी देती है। जैसा कि 37 साल बाद मिथक तोड़कर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है और पहली बार कोई मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है। योगी आदित्यनाथ वैसे शख्स हैं जो कि दोबारा यहाँ मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी की मेहनत नजर आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर रामपुर में हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत जरूर उनको मिलती है आजम खान को, पर जिस तरह से राहत मिलने के बाद कल फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, उनकी दाखिल याचिका जो खारिज कर दी गई इसके उनको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं अब चूँकि वहाँ पर उपचुनाव होने हैं, 5 दिसंबर को होंगे। हालांकि जो नामांकन है वो उसके समय बढ़ा दिया गया है। पहले नामांकन की अगर बात करें 10 से 17 नवंबर तक नामांकन की तिथि रखी गई थी, अब नामांकन 10 नवंबर से लेकर और 18 नवंबर तक कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक दिन बढ़ाया गया है। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण यहाँ होने वाला है कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन उतारते हैं। हालांकि चर्चा तमाम नामों की मयूरी यहाँ पर है, यहाँ पर आजम खां की भाई तंजीम फातिमा की भी बात चल रही है, इसके अलावा अब्दुल्ला आजम की जो पत्नी है उनकी नाम की चर्चा भी चल रही है, इसके अलावा तमाम और नए नाम भी है। तो यहाँ चर्चा चलती रही, पर जल्दी प्रत्याशी घोषित होंगे, समय यहाँ बचा नहीं है। पर निश्चित रूप से यहाँ पर रामपुर, खतौली और लोकसभा का उपचुनाव मैनपुरी में, ये तीनों सीटें अब इसमें संघर्ष बड़ा होगा। चुनौती यहाँ सपा के लिए भी है और चुनौती यहाँ भाजपा के लिए भी है। जी गौरव, एक बार फिर से रामपुर से तुषार का रुख करेंगे। तुषार, सपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है रामपुर सीट को बचाए रखना? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर ये चुनौती की बात करी जाए तो रामपुर में अब की बार आजम खां के लिए ये एक सच में चुनौती होगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आजम खां के विधायक जब आजम खां जीते थे तो उन्होंने अपने सांसदी से अपना उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर उसके बाद वो अब जब उनकी विधायक यहाँ से रद्द हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात होगी कि आजम खां किस तरीके से अपनी जो सीट है यहाँ की वो किस तरीके से बचाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी ओर अगर रुख करा जाए तो यहाँ तक रामपुर से जो आजम खां के ज्यादातर मुकदमों में जो यहाँ के पार्टी हैं आकाश सक्सेना, वो भी अपने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं जुट चुके हैं और वो पिछले काफी समय से अपनी तैयारी में यहाँ पर लगे हुए, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भी अब की बार बाजी मारने के पूरी फिराक में है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा से कहीं ना कहीं भारत भूषण भी जो यहाँ पर है वो भी एक यहाँ के जमीनी स्तर के आदमी है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने जो है अपनी एक तैयारी में यहाँ पर लगे हुए हैं। वही अगर सपा की तरफ को बात कर जाए तो सपा में ऐसा कोई ऐसा आजम का ही एक फिलहाल एक ऐसा चेहरा है कि जिनके नाम पर जो है रामपुर की जनता भरपूर उन पर खैर भरोसा करती है और उनको हर बार यहाँ से विजयी करती है। अब अगर देखा जाए तो रामपुर के अब यहाँ से अब ये देखते हैं कि रामपुर से जो है आजम का किसको टिकट देते हैं और किसको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारते हैं और किस तरीके से अपनी जो है सीट को यहाँ पर बचाते हुए नजर आते हैं। जी तो सर, चलेंगे गौरव के पास। गौरव, बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है इस सीट पर कमल खिलाना? देखो, चुनौतीपूर्ण तो वहाँ पर है, अगर बात करें मैनपुरी की वहाँ भी चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात करें तो अब तक बीजेपी वहाँ पर अपना परचम लहरा नहीं पाई है।
वहाँ पर मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे हैं, उसके बाद तेज प्रताप सिंह यादव भी सांसद रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब तक बीजेपी का वहाँ पर कोई भी सांसद नहीं बन पाया, तो यहाँ पर मैनपुरी भी चुनौती है। हालांकि डिम्पल यादव को उतारा है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीजेपी मैनपुरी किसको टिकट देती है। हालांकि अपर्णा यादव के नाम की चर्चा चल रही है, पर अभी कर पुष्टि नहीं हो पाई है। पर निश्चित रूप से मैनपुरी भी महत्वपूर्ण चुनाव यहाँ होने वाला है। रामपुर और खतौली अभी हाल में, चूँकि वहाँ पर विधायक उनसे ऑलरेडी वहाँ पर थे विक्रम सैनी, और जो कि भाजपा से विधायक थे, पर अगस्त 2013 में जो कवाल कांड हुआ था उसके चलते उनको सजा हुई थी। 11 अक्टूबर 2022 को आधार मानकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उसके बाद ये सीट रद्द घोषित कर दी गई थी। हालांकि खतौली पर रालोद का प्रत्याशी उतरेगा और फैसला क्या होगा खतौली जनता स्पष्ट करेगी। पर जो एक पक्ष जाता है कि जो यहाँ पर जीता हुआ है तो उम्मीद मानी जा सकती है खतौली को जीतने में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेहनत वहाँ पर नहीं करनी होगी। हाँ, यहाँ पर रामपुर में ज़रूर यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से जनाधार है आजम खां का और जिस तरह से उन्होंने चुनाव जेल से जीत के दिखा दिया था कि उनकी क्या कद है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब चूंकि बाहर है मेहनत भी कर रहेंगे और यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए प्रयास तो दोनों पार्टियों करने पड़ेंगे। यहाँ पर सभा को अपनी परंपरा को बचाए रखना चुनौती होगी, तो बीजेपी के लिए भी उस अवैध दुर्ग में परचम लहराना चुनौती है जहाँ पर अब तक बीजेपी परचम नहीं लहरा पाई है। जी धन्यवाद गौरव, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद तुषार आपका। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समय सीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से सुहानी सिंह जुड़ेंगी। सुहानी, आज ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दे कि आज ज्ञानवापी मामले पे आज दो दो अदालतों में आज सुनवाई होगी। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक आज अदालतों में सुनवाई होगी। बात करें आज 3 मामलों पर आज सुनवाई की जाएगी 3 बजे। पहला तो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर, और दूसरा होगा जो कथित तौर पे जो शिवलिंग मिले हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए, और आपको तीसरा बता दें जो कि समय जो उनकी संरक्षण समय सीमा को बढ़ाने के लिए आज सुनवाई की मांग की जा रही है। बात करें हम ज्ञानवापी मामले के, तो 1991 से शुरुआत हुआ था यह मामला, और फिर 1993 में इस अदालत में रोक दिया गया था, और फिर अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए अर्जी जारी किए थे, और उस अर्जी के लिए अब पूजा पाठ करने के लिए वो अर्जी लगाए हैं और इसी पे सुनवाई किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि श्रृंगार गौरी की जो पूजा साल में सिर्फ एक बार होती थी, लेकिन 5 महिलाओं की मांग है कि वो हर रोज श्रृंगार गौरी की पूजा करें। आपको बता दें कि जो ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे हुआ था उसमें एक शिवलिंग नुमा एक कथित तौर पर मिला था, और उसी को लेके हिंदू पक्ष का कहना है कि वह एक शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष का मानना है कि वह एक फवारे हैं। तो इसी सब को लेकर सुनवाई किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो हिंदू पक्ष में मामला आता है या मुस्लिम पक्ष में, इसी पे आज सुनवाई किया जा रहा है। तो क्या लगता है सुहानी, किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? देखिए, कहने की बात है कि जो यहाँ जो मुख्य जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं
उनका कहना है कि मतलब जो भी पूजा अर्चना वहाँ पे कथित तौर पे जब परिसर में जब खोज किया गया, जो सर्वे हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी गई, पूजा पाठ के जो चावल डोरी ये सब सर्वे किया गया, तो ये काफ़ी देख लूँ कि ये सब चीज़ें मिला, तो उसे देखते हुए अब अदालत को जो भी फैसला लेगा लेंगे वो सब इनके सर्वे को देखते हुए फैसला उनको लेना पड़ेगा। तो अब यही देखना होगा कि अदालत क्या फैसला लेती है कि कथित तौर पे जो भी शिवलिंग होगा या फवारे होगा वो तो आज सुनवाई में पता लगेगा, लेकिन खास तौर पर यही देखा जा रहा है कि श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर या जो कथित तौर पर जो शिवलिंग मिला है उसमें पूजा अर्चना को लेकर अदालत को फैसला लेना होगा कि वो शिवलिंग है या फवारे हैं। धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी की टीम मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कस रही है। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी की टीम ने एक्शन लिया है। संगम नगरी प्रयागराज में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के लकड़ी मंडी में छापेमारी की। जानकारी मिली है कि करीब 10 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की गई। टायर कारोबारी चांद बाबू के घर में भी ईडी की टीम एक्शन लेने के लिए पहुंची थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर अब ईडी एक्शन ले रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बीते दिनों की बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं कम होती नजर नहीं आ रही है। अगर बात की जाए बीते 5 नवम्बर की तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी टीम ने हिरासत में लिया और करीब 12 से 13 घंटे तक पूछताछ की गई और उसको कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में उसको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में के लिए जो है वहां पर अर्जी लगाई गई थी और 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अगर बीते 3 दिनों पहले की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के साले को ईडी टीम ने गाजीपुर से गिरफ्तार किया और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। बीते कल देर शाम को खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के लकड़ी मंडी में टायर कारोबारी है चांद बाबू, उनके घर में ईडी टीम ने छापा मारा और ईडी टीम लगातार 12 से 13 घंटे तक पूछताछ करती रही। बताया जा रहा है कि जो चांद बाबू है मुख्तार अंसारी का करीबी है, तो निश्चित रूप से जो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें हैं वो कहीं कम नजर होती नहीं आ जा रही है और लगातार जो है ईडी की टीम वो मुख्तार अंसारी पर अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। जी पवन, 10 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की गई तो क्या इसमें कुछ निकल कर सामने आया है? चूंकि काफी देर रात की ये बात है तो लगातार जो ईडी की टीम है और ईडी टीम के जो अधिकारी होते हैं वो किसी भी तरह से किसी भी बातों को मीडिया के सामने या सार्वजनिक नहीं करते हैं। हालांकि किस तरीके से पूछताछ की गई है और किस तरीके की बातें हैं ये अभी तक सामने नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो टायर कारोबारी चांद बाबू है ये मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी है और ईडी टीम लगातार उस पर अपना शिकंजा कस रही है और कई ऐसे करीबी हैं प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के जिन पे ईडी टीम अपनी नजरें गड़ाए हुई है और जल्दी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी मयूरी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। खबर उन्नाव से है जहां दलित युवती का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेप के बाद दलित युवती की गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के दौरान युवती घर पर अकेली बताई जा रही है। कोचिंग से वापस लौटी छोटी बहन ने बड़ी बहन के कपड़े अस्त व्यस्त और खून देखकर चीख पड़ी। मृतका के निजी पार्ट पर खून भी पाया गया। वहीं SP दिनेश त्रिपाठी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गहन जांच पड़ताल की। घटना में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मृतका के मोबाइल नंबर के फोन कॉल खंगाली जा रही है। सर्विलांस टीम ने गांव के ही एक युवक को हिरासत में लिया है। SP ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हुसैन नगर का मामला है। सदर के ग्राम हुसैन नगर में एक युवती का शव उसी के घर में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। उसके शव को कोतवाली की पुलिस के द्वारा
पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। बाद पोस्टमार्टम अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से तहरीर प्राप्त की। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चैतन हमसे जुड़ेंगे। चैतन, युवती की लाश मिली है, रेप और हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला सदर कोतवाली के एक गांव का है, जहां पे युवती के शव मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। ये शव जो मिला है, ये एक अनुसूचित जाति की लड़की का शव है, एक मासूम का शव है, और जिसके बाद से वहां पे जो खून के जो स्पॉट मिले हैं और जो वहां के जो परिजन है उनका लगातार ये कहना है कि रेप की घटना घटित की गई है, उसके बाद जो है इसकी हत्या भी कर दी गई है। जी, इसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आया अभी तक? जी, लगातार बताना चाहूंगा कि SP उन्नाव से बात करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है पूरे मामले से बचती नजर आ रही है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उनसे बातचीत करने का। ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि अभी किसी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है वो भी जो है शंका के आधार पे उसको गिरफ्तारी उसकी हुई है, और लगातार पुलिस से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, डॉग स्क्वाड की टीम भी गई थी वहां पे, किसी अपने ही के होने की बात सामने आ रही है। और लगातार जो ये मामले यहाँ पे जनपद उन्नाव में घटित हो रहे हैं, वो अपराध के बढ़ने की बात जो है उससे सामने आ रही है कि लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले घटित हो रहे हैं जिसमें कहीं किसी मासूम के साथ ऐसा हो जाता है, किसी जो है नाबालिग के साथ ऐसा हो जाता है, या फिर किसी युवती के साथ ऐसा हो जाता है। जी, धन्यवाद चैतन तमाम जानकारियों के लिए। खबर कासगंज से है, जहां CM योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं कई सालों से भरगैन से दरियाबगंज टूटी सड़क का PWD के अधिकारियों ने अभी तक कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व नगर अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण कराने की अपील की है। गड्ढा मुक्ति अभियान चला रही है 15 नवंबर तक। अभी तक ये रोड जो भरगिन से दरियागंज जाती है 5 किलोमीटर की रोड है, अभी तक ये गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। पहले भी हमने यहाँ प्रदर्शन किए थे, धान लगाए थे और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था, कई महीने बीत गए लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो हमारे भारत में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, PWD विभाग जो है वो भैंस एक तरह से बन चुका है, भैंस रूपी PWD विभाग के आगे आज हमने बीन बजाया है और जूं तक नहीं रेंग रही है। खबर औरैया से है, जहां चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। कहां गई थी? जी, विद्यालय में इस मकान में ऊपर किराए पे रहती है जी, इस वजह से चूंकि हम तो घबराए रहते हैं, हमारा व्यापार भी है, हम अपना बिजनेस करते हैं उसमें, तो उसमें हमारे समय हमारी कल दिवाली से तबीयत ज़्यादा खराब है, तो कल इनको जानकारी के मुकम्मल हुआ होगा कि ज़्यादा तबीयत इनकी गड़बड़ है, तो ये कल शाम को चली गई पुखराया। जब शाम को चली गई तो सुबह की स्कूल का टाइम था, तो हम तो अपना लेते थे, हम तो उठे थे, तो ये अपनी गाड़ी से वहाँ से जल्दी सुबह मॉर्निंग में अपना निकल आई। जब ये यहाँ आई तो इनको इस विषय की जानकारी हुई कि यहाँ चोरी हो गई, तब हमको मैसेज हुआ कि यहाँ चोरी हो गई।
खबर औरैया से है, जहां आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर परिसर पर स्थानीय लोगों का कब्जा है। सीएचओ प्रिया शर्मा ने सीएससी अधीक्षक मोहित कुमार की मौजूदगी में सभी अवैध कब्जों का ध्वस्तीकरण कराया और कब्जा धारियों को परिसर को खाली करने के सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। जो दवा माफी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर जो कार्यरत हमारे सीएचओ हैं, उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया था कि सर यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है कुछ लोगों का। तो फिर जब मैं वहाँ पर गया तो फिर मैंने जाके देखा तो कुछ घरेलू सामान वहाँ पर जो पीछे वाले जो कमरे हैं उसमें पड़ा हुआ था। दो कमरे थे जिसमें कि एक में रखा हुआ था और एक में कुछ ऐसे ही जो चारपाई वगैरह कुछ रखी हुई थी। तो फिर मैंने जाके उनको चेतावनी दे दी है कि ये जल्द से जल्द आप ख़त्म करें, और संबंधित जो भी ग्राम प्रधान हैं उनको भी इस चीज़ से अवगत करा दिया गया कि तत्काल आप इससे करवाएं, नहीं तो प्राथमिकी दर्ज करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन ये सुल्तानपुर है, दोगा सेंटर नाम से है। क्या यहाँ मरीज अरीज कितने अभी आए हैं, क्या है? सर अभी तो मरीज नहीं आए, लेकिन मरीज जब आएंगे वो 12 बजे के बाद कुछ आते हैं, मतलब आते रहते हैं, कुछ टाइम पहले आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाते हैं 10-15, 20-25, वो तो अल्टरनेटिव पे उस हिसाब से आते हैं। अच्छा बहन जी, ये यहाँ एक चीज़ देखी गई है, जो यहाँ लोकल के लोग हैं वो यहाँ अपना आवास बनाए हैं अस्पताल में, क्या आपने इसका कुछ कहा नहीं अभी तक? जी सर, जब मेरी अभी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है अप्रैल में मैं यहाँ आई हूँ, तो यहाँ पे जो ये लोग रह रहे हैं पहले से, और इसमें भी ताला लगा हुआ था और एक कमरे में बोझ भी भरा हुआ था। अंबेडकर नगर के कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र अंतर्गत एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने पिटाई कर दी, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला रेलवे स्टेशन स्थित मोहल्ला मुरादाबाद सहजादपुर का है। पीड़ित ने बताया कि मेरे होटल के सामने गाड़ी खड़ी करने के बाद मुझे बुलाया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और करीब 1.5 घंटे तक मेरी जबरदस्त तरीके से पिटाई करते रहे, और इसके बाद ईंट से मार कर मेरा पैर तोड़ दिया और बाद में वही घर से कुछ दूरी पर सड़कों पर लाकर फेंक कर चले गए। उनमें मेरे मोहल्ले का भी एक युवक शामिल है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने कोतवाली अकबरपुर में तहरीर दी है। यह 10:15 था, वहाँ अपने खाने वाला होटल जो है बंद करने, पानी भरने आए, नीचे टंकी लगी है सरकारी, हाँ पानी भरने आए, और इतने में आया तो वो जो है मतलब एक लड़का आया, उसमें से निकल के गाड़ी 10 फीट की दूरी खड़ी थी स्कॉर्पियो, कितना नंबर है वो 11 नंबर गाड़ी का। अच्छा तो आया, कहा वो भैया बुला रहे हैं, कौन भैया? भैया अरे कहीं चलियो। अब वो जो है पकड़ के खींच के जबरदस्ती गाड़ी में हमारा किडनैप कर लिया जा लिया। अब कहाँ कहाँ आँखों में पट्टी बांध दिया, मुंह में ढाबा छोड़ दिया, कहाँ कहाँ लेके गए कुछ पता नहीं। खबर प्रयागराज से है, जहां समाज कल्याण विभाग ने विकास भवन सभागार में किन्नरों के उत्थान के संबंध में शिविर का आयोजन किया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लिमिटेड लालजी प्रसाद निर्मल और विशिष्ट अतिथि किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी कार्यक्रम में मौजूद रही। उन्होंने किन्नर समाज के लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया, सरकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी है। जितना से जितना जल्दी से जल्दी प्रयागराज में और पूरा प्रदेश में ट्रांसजेंडर लोग का पहचान पत्र बने, उसी के तहत आज इस कार्यक्रम हम लोग ने किया गया, और जितने ट्रांसजेंडर लोग का जो कार्ड बना था उनको हम लोग ने दिया, और फिर उसके बाद में जो ट्रांसजेंडर लोग को पंजीकृत कराना था तो उनके फार्म भर के आज पंजीकृत कराया गया। आदेशानुसार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुसार, प्रबल इच्छा शक्ति के अनुसार, जो हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको एक खुला आसमान मिला है 2019 का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमारी जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, जो हमारी स्पीच का अधिकार है, कानून की समक्ष समानता का अधिकार है, जो रोजगार का अधिकार है, ये सारे अधिकार अब इस समुदाय को प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।